जबलपुर के मदन महल में महानंदा से लगे टिम्बर मर्चेंट में शनिवार की देर रात अचानक ही भीषण आग लग गई। मामूली रूप से शुरू हुई आग ने कुछ ही सेकंड में एक टाल और बाजू से लगे सर्जिकल सामान के गोदाम को अपनी आगोश में ले लिया। देखते ही देखते आग इतनी भीषण हो गई कि मौके पर पहुंचे जबलपुर पुलिस के कई थाने की टीम, होमगार्ड, SDRF की टीम, नगर निगम अमला, व्हीकल फैक्ट्री और भेड़ाघाट नगर परिषद की 35 से 40 गाड़ियां भी नहीं बुझा पाई आग। कई करोड़ों रुपए का माल हुआ खाक। सूचना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन और बिजली विभाग का अमला भी पहुंच गया। बिजली विभाग के अमले ने तुरंत ही इलाके की विद्युत व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। आग लगने का कारण अज्ञात है। मदन महल का महानंदा इलाका शहर का सबसे घनी आबादी वाला इलाका बताया जा रहा है और इसी क्षेत्र में काफी सालों से टाल का व्यवसाय भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि टाल में आग लगने की घटना पहली मर्तबा हुई है, इससे पहले भी कई बार टालों में आग लग चुकी है, लेकिन न जाने क्यों प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं जाता, लिहाजा आज एक बार फिर वही घटना दोहराई गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से जहां टाल में रखी लकड़ियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई, तो वहीं सर्जिकल का गोदाम भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया, जिससे कई करोड़ों रुपए का माल खाक हो गया है। तीरथ पटेल, आकाश साधानी और अमित साधानी के टाल में तो तीरथ पटेल के ही सर्जिकल गोदाम में आग लगना बताया जा रहा है। शनिवार की देर रात जब अचानक ही टाल के पास आग दिखी तो तुरंत ही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी, पर जब तक दमकल विभाग का अमला मौके पर पहुंचता तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। देखते ही देखते आग ने पूरी टाल को घेरे में ले लिया। वहीं टाल से लगे सर्जिकल गोदाम में रखे पदार्थों में आग धीरे धीरे भड़कती गई, जिसके चलते अचानक ही आग ने एक बड़ा रूप धारण कर लिया। इतना ही नहीं, दमकल विभाग के आधा दर्जन से ज्यादा वाहन मौके पर पहुंचे, पर आग को बुझाने में नाकाफी साबित हुई। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। अपने अराउंड 11 व्हीकल्स ऑलरेडी यहाँ पे लगे हैं जो आग बुझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसी कार्रवाई में पूरे नगर निगम के जो फायर का हमला भी यहाँ पे पहुँच गया है ना? और यहाँ पे जो सैनिटाइजर का एक कुछ केमिकल्स का है और कुछ लकड़ी का भी है, तो उस संबंध में अभी कार्रवाई जारी है। सर, चूँकि सर्जिकल का गोदाम था, केमिकल भी था और यहाँ पे लकड़ी का टाल भी था, रिहायशी था, ऐसे में एनओसी नहीं होगी तो क्या सर, किस तरह की कार्रवाई? अभी हम लोग फायर फाइटिंग में लगे हैं, तो उसके बाद पूरी जाँच जो है वो बाकायदा अपना फायर का टीम भी है वो करेगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि कोई जान ना हो और एक फायर लाइन ड्रॉ करके फायर स्प्रेड होने से बचे। तो यहाँ पर हमारी पुलिस की टीम ने तत्काल रिएक्शन दिया, हमारे यहाँ के गोरखपुर CSP कैंट CSP जिनकी गश्त थी और साथ में हमारे एडिशनल साउथ सर ने और हमारा सारा जो दलबल पहुँचा, और तब से ही हमारी टीम लगी हुई है यहाँ पर नगर निगम से और व्हीकल फैक्ट्री, COD और आदि सभी जगह की फायर ब्रिगेड बुलाई गई है। लगभग 17-18 गाड़ियाँ आ चुकी हैं, जिसमें जो बताया जा रहा है आकाश सदानी और अमित सदानी का, इनके कोई सर्जिकल इक्विपमेंट का गोडाउन था और साथ ही कोई तीरथ पटेल का यहाँ पर लकड़ी का काम था, जो लकड़ी का टाल, तो यहाँ आग लगी है। अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है, कंटिन्यूस पानी का छिड़काव हो रहा है और शीघ्र ही आशा है आग पर कंट्रोल पा लिया जाएगा, और अभी तक कोई इसमें जान की हानि कुछ नहीं हुई है, अभी लोग सुरक्षित हैं और यहाँ पर लाइट भी बंद कर दी गई है, काट दी गई है इस एरिया की, ताकि आग ऐसी वायर को आग ना लगे और आग कहीं और ना पकड़ ले, तो समय सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। सर, जैसे सैनिटाइजर और कुछ दवाइयों की बताया जा रहा है, इसके ऊपर इसकी जांच कराई जाएगी, संबंधित विभाग को भी दिया जाएगा और जांच पश्चात जो आता है उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।